Hello student, so myself Narendra Kumar from Vidyamandir Classes. So ये first video है, इसके अंदर मैं जो organic chemistry के जो questions है, class 12 syllabus से, JEE 2007 से, JEE 2018 तक के, तो इनका एक sequence में, series में discussion होगा. तो आप लोग अपने कुछ key points को note कर सकते हो, मैं बीच-बीच में highlight करूँगा, और उसके according फिर एक क्विक रिवीजन शेड्यूल अपने आप बना सकते हैं. तो देखिए हम 2007 से स्टार्ट करेंगे, 2007 पेपर वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, मैच दी केमिकल सब्सटेंसेस इन कॉलम वन विद टाइप ऑफ पॉलीमर्स टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन कॉलम टू, इंडिकेट योर आंसर डार्कनिंग द एप्रोप्रिएट बबल्स ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स गिवन इन द ORS. तो यहाँ पे पॉलीमर्स और इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं या पॉलीमर का जो टाइप्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये एक क्वेश्चन अक्सर पॉलीमर पर बेस्ड आता है, तो आप नोट बनाते रहिए अपने साथ में, ठीक है. और इनका एक क्विक रिवीजन आपको करना है. तो देखिए सेलुलोज को अगर हम देखते हैं तो सेलुलो एक नेचुरल पॉलीमर है और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज का एक कंडेंसेशन पॉलीमर है. तो हम क्लियरली यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कॉलम टू को अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें नेचुरल पॉलीमर का टर्म मिल रहा है, सिंथेटिक पॉलीमर. तो इन दोनों में से कोई एक ही मैच करेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, नेचुरल भी है सिंथेटिक भी है, सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा. अमाइड लिंकेज आपको पता है कि ये जो प्रोटीन्स वगैरह है उनके अंदर मिलता है, या जो नाइलॉन्स हैं पॉलीअमाइड उनके अंदर हमें मिलेगा. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो COC लिंकेज होता है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टाइप का होगा. तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारा पी ऑप्शन है इसके अंदर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे नेचुरल पॉलीमर एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. नेचुरल पॉलीमर एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो नेचुरल पॉलीमर यहाँ पे पी के अंदर नज़र आ रहा है और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो एस के अंदर नज़र आ रहा है हमें. और नाइलॉन 6 को अगर हम देखेंगे तो ये एक वेल नॉन सिंथेटिक पॉलीमर है. नाइलॉन 6 जो है वेल नॉन सिंथेटिक पॉलीमर है और इसके अंदर अमाइड लिंकेज होगा. तो ये हमारे पास में क्यू एंड आर हो जाएगा. ना प्रोटीन को अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन जो बेसिकली बायोपॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, तो यहाँ पर प्रोटीन के अंदर नेचुरल पॉलीमर आ जाएगा और अमाइड लिंकेज है, दैट इज क्यू एंड आर. नेचुरल पॉलीमर, सॉरी, पी एंड आर अमाइड लिंकेज आ जाएगा. और सुक्रोज को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली एक डाइसेकेराइड है, ये पॉलीमर जो है नहीं है, सुक्रोज पॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आएगा. पी क्यू आर, सॉरी, ये पी क्यू आर एस जो है ये तो ए बी सी है, यहाँ पे चेंज हो गया. यहाँ पे पी क्यू आर एस जो है हमारा कॉलम टू के अंदर है. सो ए के साथ पी एस है, बी के साथ क्यू आर है, सी के साथ हमारा जो है प्रोटीन के लिए पी आर हो जाएगा. और डी ऑप्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है ओनली ग्लाइकोसाइड लिंकेज होगा, दैट इज एस ओनली. सो इस क्वेश्चन का जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये आंसर है. तो चेक कर लीजिए इसके अंदर आप कि ए के लिए हम कह रहे हैं पी एंड एस, दैट इज करेक्ट, और बी के लिए हम ये कह रहे हैं क्यू एंड आर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और सी के लिए हम ये कह रहे हैं पी एंड आर, सो पी एंड आर हो गया, और डी के लिए हम कह रहे हैं ओनली एस, सो दैट इज द करेक्ट. सो पॉलीमर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है. तो अलग अलग टाइप के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के क्वेश्चंस भी पॉलीमर पर बेस्ड मिलते हैं. तो आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी पॉलीमर से रिलेटेड कंटेंट गिवन है आप उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स कंपाउंड ई. कंपाउंड ई ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस क्यूएच यील्ड्स कंपाउंड एफ. तो देखिए साइक्लोहेक्सीन है, इसका हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर. तो ये यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे, और साइक्लोहेक्सीन है इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, तो एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस होगा. डाई एल्डिहाइड हो सकता है, या डाई कीटोन हो सकता है, या फिर कीटो एल्डिहाइड हो सकता है. अब इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस क्यूएच. तो एक्वस क्यूएच के साथ किसी डाइकार्बोनिल कंपाउंड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये बेसिकली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप होने वाला है. तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा. तो ये साइक्लोहेक्सीन है, इस साइक्लोहेक्सीन का ओजोनोलिसिस जब हम करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा. तो ये हमारा एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड बन गया है, ठीक है. इसका हमने ओजोनोलिसिस करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर.
अब इस डाइकार्बोनिल कंपाउंड को एक्वस KOH के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो एल्डोल टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो अब एल्डोल टाइप की रिएक्शन से प्रोडक्ट देखेंगे आप, तो सारे जो है बेसिकली अनसेचुरेटेड कंपाउंड गिवन है, तो इसका मतलब हमें एल्डोल कंडेंसेशन टाइप से सोचना है। तो ये इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका अल्फा कार्बन है, सिमेट्रिकल है, तो एक का अल्फा और दूसरे का सी डबल बॉन्ड ओ कंसिडर करके हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, और ये 5 मेंबर रिंग से हमारे पास में जो है ये डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड आएगा। तो ये एक अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड आपको दो दिखाई दे रहे हैं, एक ए दिख रहा है और दूसरा बी दिख रहा है। ये जो हमारे पास में अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड ऑप्शन ए में गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन का हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या होगा ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा आपको सोचने वाली बात है कि ये जो है ट्रांस टू ब्यूटीन है, इसका किस टाइप का ब्रोमिनेशन हो रहा है। ये कोई फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन की बात नहीं कर रहा है, ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन की बात कर रहा है, जिसमें ट्रांस एल्कीन को Br2 डिसॉल्व इन CCl4 के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, उसी की बात है। अदरवाइज तो जस्ट हमें मतलब चेक करना होगा। तो ये हमारे पास में ट्रांस टू ब्यूटीन है, इस ट्रांस टू ब्यूटीन को Br2 डिसॉल्व इन CCl4 के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि Br2 का डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन हो रहा है। तो ये एंटी एडिशन का मतलब है कि ये कार्बन स्केलेटन एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और दो ब्रोमीन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाएंगे और इन दोनों ब्रोमीन का जो एडिशन होगा वो अपोजिट साइड से होगा। तो ये हमें यहाँ पे रिएक्शन एडिशन रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री को कंसिडर करना है। अब ये हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब चेक कर लेते हैं कि इसका कोई मिरर इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें दो कायरल कार्बन एटम नज़र आ रहे हैं। ये भी कार्बन हमारा कायरल है और ये कार्बन जो है ये भी कायरल है, तो चेक करना होगा कि इसका स्टीरियो आइसोमर बनेगा या नहीं बनेगा। इसका कोई स्टीरियो आइसोमर अगर पॉसिबल होगा तो बनेगा, पॉसिबल नहीं है तो नहीं बनेगा। तो जब भी कोई कंपाउंड अगर हमें सिमेट्रिकल नज़र आता है विथ रेस्पेक्ट टू दी ग्रुप्स अटैच्ड टू दी काइरल कार्बन एटम, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है CH3 है और Br है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है CH3 और Br है, तो इसमें एक सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है। चेक कर लेते हैं कि ये सिमेट्री इसमें है या नहीं है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ब्रोमीन आता है, सर्टेन डिस्टेंस नीचे की तरफ जाते हैं ब्रोमीन आता है, सर्टेन डिस्टेंस इस साइड में जाते हैं बोर्ड के प्लेन में तो CH3 आता है, बोर्ड के प्लेन में जाते हैं तो CH3 आता है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर लगे रहेंगे। तो इसका इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होने का मतलब ये मीजो आइसोमर हो गया, और मीजो आइसोमर का कोई मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपाउंड और बन रहा है और वो और ये जो है वो आइडेंटिकल है। इस कार्बन पे ब्रोमीन को हमने अबव द प्लेन अटैच किया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले वाला कार्बन का ब्रोमीन जो होगा वो अबव द प्लेन ही अटैक करेगा एंटी एडिशन के समय में, वो बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। तो ये हमारे पास में ब्रोमीन बिलो द प्लेन आ रहा है और ये ब्रोमीन जो है वो अबव द प्लेन आ रहा है। तो ये जो दोनों कंपाउंड है ये आइडेंटिकल कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड ये नहीं है, ठीक है। आप इसको अगर आप रोटेट करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो वापस से हमारे पास में यही वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक ही स्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस हो रहा है और वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है, ग्लूकोज गिव्स अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जो सॉल्यूशन है इन दोनों का मिक्सचर होता है। इक्वल वॉल्यूम में फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का जो है मिक्सचर होता है, और कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एंड ग्लूकोज जो है वो एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, कैन बी ऑक्सीडाइज टू दी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ग्लूकोज can be oxidized by Fehling solution and Fehling solution will get reduced and this reddish brown precipitate is due to the formation of Cu2O. हम यहाँ पे एक सिंपल सा skeleton reaction लिख सकते हैं। ये हमारे पास में जो है एक polyhydroxy aldehyde का representation है, जस्ट मैंने यहाँ पे polyhydroxy aldehyde को represent कर लिया है, और ये हमारे पास में जो है copper sulfate का जो है solution होगा, ठीक है,
एक्वा सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और क्यूप्रस ऑक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा. क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा. क्यूप्रस ऑक्साइड जो होगा वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट होगा. तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ वेलिंग सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. और ये यहाँ पे एक बेसिकली हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा. ये ग्लूकोज है. ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा इसको हम कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड. ओनली वन ग्रुप इज ऑक्सीडाइज सो ग्लूकोनिक एसिड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट वन है ये ट्रू है. अब स्टेटमेंट टू कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फैलिंग सोल्यूशन गिव CuO एंड ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा ये राइट है बट CuO प्रोड्यूस नहीं होगा. ये Cu2O जो है प्रोड्यूस होगा यहाँ पे. तो स्टेटमेंट टू रॉन्ग है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है. तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा. स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें अगेन देखिए हमारे पास में विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज इन अबाउ रिएक्शन. ये कोई एक रिएक्शन जो है यहाँ पे वो मिसिंग है. ठीक है, सो क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन मिसिंग है. तो यहाँ पे जस्ट मुझे रिएजेंट से नज़र आ रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी. ये कोई एक रिमर्टिमन रिएक्शन की बात कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा किसी रिएक्टेंट का. तो हम देख लेते हैं कि ये क्या हमें कह रहा है कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा. तो रिमर्टिमन रिएक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है. सो हमारे पास में ये एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर ये जो है पैराक्रिसोल है. इस पैराक्रिसोल को किसी रिएजेंट के साथ हमने रिएक्ट कराया, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया और इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है और रिएजेंट क्या है ये फाइंड आउट करना है. सो मे बी ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में रहा होगा, कुछ पैराग्राफ टाइप का रहा होगा. तो देखिए रिमर्टिमन रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएजेंट होता है अच्छी तरीके से हम जानते हैं, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा. और इंटरमीडिएट जो भी यहाँ पे बनेगा पहले तो इन दोनों की रिएक्शन से एक सब्सटेंस अटैकिंग स्पीसीज फॉर्म होगा डाइक्लोरोकार्बिन. और ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है फिनॉल की ऑर्थो पोजीशंस पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशंस ब्लॉक्ड है. तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और यहाँ पर जब ये अटैक कर देगा तो CCl2 प्रोड्यूस हो जाएगा. ये जो है हमारा इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर होगा और ये फिर यहाँ पे एक्वस मीडियम के अंदर इसका जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस जब हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सी ऑप्शन है इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म नज़र आ रहा है तो ये रिएजेंट हो जाएगा. तो इसका आंसर सी होना चाहिए अगर ये रिएक्शन है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है और कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट आई इज. तो इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये एक बेंजाइलिक जेम डाइक्लोराइड प्रोड्यूस होगा. तो बेंजाइलिक जेम डाइक्लोराइड ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रहा है हमें. आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में 2007 पेपर 2 से है और ये मैच दी फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. तो इसको हम देख लेते हैं कि ये अगेन कॉलम 1 के अंदर ABCD टाइप के कंटेंट है और कॉलम 2 के अंदर PQRS है. और ये जो है वो 4x4 मैट्रिक्स मैच है जिसके अंदर जो है हमें कॉलम 1 में प्रॉपर्टीज और रिएक्शन जो गिवन है उसको कॉलम 2 के साथ हमें मैच करना है. तो देखिए कॉलम वन के अंदर हमारे पास में बेसिकली ये है बेंजल्डिहाइड. ठीक है जी, तो बेंजल्डिहाइड के साथ क्या क्या हो सकता है ये चेक कर लेते हैं. तो बेंजल्डिहाइड हमें पता है कि एक वेल नोन एरोमेटिक एल्डिहाइड है और इस एरोमेटिक एल्डिहाइड को गिव्स प्रेसिपिटेट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन. बिल्कुल करेक्ट है ये.
इसका सारे जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट शो करेंगे, तो ए के साथ हमारा पी तो मैच करेगा ही करेगा। आप नोट करते जाइए, देखिए रिमर-टेमन रिएक्शन पे क्वेश्चन समय मैंने बताया था अभी, फैलिंग सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया, ठीक है, तो ये नोट करते जाइए। यहाँ पे ये जो बेंजल्डिहाइड की 2,4-DNP के साथ जो रिएक्शन है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया, फिर गिव्स प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। नाउ बेंजल्डिहाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट देगा नहीं देगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इशू है, क्योंकि ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट नहीं है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अगर होता तो ये टॉलेंस रिएजेंट होता, और टॉलेंस रिएजेंट होता तो फिर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती, बट उसके अंदर मेटलिक सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होता, कोलाइडल फॉर्म में आता, ये प्रेसिपिटेट तो यहाँ पर एग्जैक्टली मेरे हिसाब से नहीं प्रोड्यूस होगा। तो ये मैं अभी ये क्यू को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से क्यू बिल्कुल भी यहाँ पे वो प्रेसिपिटेट टाइप की सिचुएशन नहीं है। इज अ न्यूक्लियोफाइल, बेंजल्डिहाइड इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, एंड बेंजल्डिहाइड इज इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। बेंजल्डिहाइड साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा ही होगा। ये हम देख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड का हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो इस टाइप का है, इसको साइनाइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा। वैसे बाय द वे इसके अंदर बेंजोइन कंडेंसेशन होता है, लेकिन बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए पहले ये एक साइनोहाइड्रिन टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, तभी बेंजोइन कंडेंसेशन होगा। तो ए के अंदर पी करेक्ट है और एस करेक्ट है। नाउ बी को अगर हम चेक करते हैं, तो ये बी जो हमारे पास में एक टर्मिनल एल्काइन है, इस टर्मिनल एल्काइन की 2,4-DNP के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट दिस टर्मिनल एल्काइन गिव्स प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सिल्वर जो सॉल्ट है ऑफ टर्मिनल एल्काइन ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास में ये प्रोपाइन है, इस प्रोपाइन की रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे तो प्रेसिपिटेट आएगा। एंड दिस टर्मिनल एल्काइन इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट, नॉट न्यूक्लियोफाइल, एंड इज इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। नाउ सी को अगर हम देखेंगे, तो ये हमारे पास में CN- है साइनाइड आयन। इस साइनाइड आयन की 2,4-DNP के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। इट गिव्स प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। साइनाइड आयन एक सूडो हैलाइड है, एंड ऑल हैलाइड्स व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट आएगा या आएगा कि साइनाइड आयन एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो आर बी होगा, एंड साइनाइड आयन इज इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ये आपके सामने है, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में साइनाइड इन्वॉल्व रहता है। डी को अगर हम देखेंगे, तो ये I- है, I- का 2,4-DNP के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट इट गिव्स प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। I- इज ए न्यूक्लियोफाइल एंड नॉट इन्वॉल्व इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो क्यू एंड आर यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ए के अंदर पी एंड एस है, और बी के अंदर क्यू है, और सी के अंदर जो है पी क्यू आर एस है, और डी के अंदर जो है हमारे पास में क्यू एंड आर है। तो चेक कर लीजिए, आंसर में चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मुझे जो डाउट था यहाँ पे, वो डाउट यहाँ पे वैलिड है कि ये एक तो परफेक्ट टॉलेंस रिएजेंट की फॉर्म में ये नहीं दे रखा है, और बेंजल्डिहाइड थोड़ा सा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में हैव ए लेस टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, एलिफेटिक एल्डिहाइड हैव ए मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम ये कंसिडर करेंगे। सो यू हैव टू मेक योर नोट्स, सो टू रिवाइज द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 12। नाउ ये रिएक्शन है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक रिएक्शन दे रखा है, और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास में एक डाई हैलाइड है, इसके अंदर जो ब्रोमीन है वो बेंजाइलिक पोजीशंस पर अटैच्ड है, तो ये इजीली एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और रिंग पर जो फ्लोरीन है वो बेसिकली एक टाइप की एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट जो फ्लोरीन है नॉट एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2, तो NO2 यहाँ पर इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा है। और एक और सिचुएशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारे पास में जो ये जो सॉल्वेंट है ये DMF है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड जो है वो बेसिकली SN2 रिएक्शन को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे हमें SN2 रिएक्शन को चेक करना है। तो जब भी आपके पास में एक डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है और एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, लाइक ये सेचुरेटेड कार्बन है,
तो डबल बॉन्डेड कार्बन और सिंगल बॉन्डेड कार्बन के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये जो सिंगल बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड हेलोजन जो है वो इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो ये ट्रू कंक्लूजन निकल गया हमारा कि BR जो है वो डिस्प्लेस होगा। नाउ अब किस मैकेनिज्म से डिस्प्लेस होगा ये हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो DMF है, DMF बेसिकली प्रमोट करेगा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो ये बेंजाइलिक कार्बन पर अगर हम SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन अगर कराते हैं तो ये जो है क्या होगा, कॉन्फिग्रेशन का इन्वर्जन। सो इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन विल बी नोटिस्ड इन दिस केस। तो SN2 मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन जो हमें ए ऑप्शन में नज़र आ रहा है, बी ऑप्शन के अंदर बेसिकली रिटेंशन है, सी ऑप्शन के अंदर फ्लोरीन का सब्सिट्यूशन हो गया विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस, और डी ऑप्शन में भी दोनों का ही सब्सिट्यूशन हो गया। तो बेस्ट चॉइस यहाँ पे जो है हमारा वो ऑप्शन ए जो है हमारा बेस्ट चॉइस हो जाएगा। तो ये SN2 रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एलिफैटिक, अब इस फ्लोरीन की पैरापोजिशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप लगा होता तो ये भी एक्टिवेट हो जाता, बट स्टिल एक इक्विवेलेंट अगर हमने न्यूक्लियोफाइल का लिया है तो ब्रोमीन जो है वो रैपिडली डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए और वो ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस पैराग्राफ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एक पैराग्राफ दे रखा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट आई जे एंड एल आर फॉर्म्ड, के रिप्रेजेंट अ रिएजेंट। तो ये हैग्स 3 आइनल है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये 4, 5 एंड 6, सो हैग्स 3 आइनल है। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं NaBH4 के साथ। तो NaBH4 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पे दो दो रिड्यूसेबल ग्रुप्स हैं, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूसेबल है और एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो एल्डिहाइड का ग्रुप है ये रिड्यूसेबल है, बट ये जो NaBH4 है दैट रिड्यूसेज ओनली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज मेंटेन रहेगा और ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं PBr3 के साथ में। तो PBr3 प्राइमरी एल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये जो है हमारे पास में एक ब्रोमाइड बन जाएगा। अब इस ब्रोमाइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ में। तो यू नो वेरी वेल किसी भी ऑर्गेनिक हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे इन ईथर एज अ मीडियम तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये जो हमारा कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ अटैक करेगा और इसमें एडिशन हो जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड अभी एज इट इज़ है और यहाँ पे ये जो है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ऐड हो गया है, NOMG Br अटैच हो गया है। अब इसका हम एसिडिफिकेशन कर रहे हैं H3O+ के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो H3O+ जो बेसिकली इस ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये हमारे पास में एक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ OH कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, अभी चेक कर लेंगे व्हाट इज दिस के। और एक ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है यह, ठीक है, मिथाइल एक ही बात है जैसे हम बनाएंगे वैसे ही बनाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया हमारा और उसके साथ में ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एल आ गया। तो अब आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ आने का मतलब है कि ये क्या हो सकता है, ये PCl5 हो सकता है, ये PCl3 हो सकता है और ये SOCl2 हो सकता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो ये इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब ये जो भी हमारे पास में कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं H2 के साथ PDBSO4 और ये जो पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट है और साथ में इसमें क्विनोलिन भी है। क्विनोलिन बेसिकली एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये नॉर्मली किसी रिएक्शन के अंदर पॉइजन की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो
तो ये अगेन हमारे पास में एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट तो आ गया है, और दो रिड्यूसेबल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये ग्रुप जो है ये भी रिड्यूसेबल है, और इसी कंडीशन के अंदर ये पॉइजनड है, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड के रिडक्शन की एक स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, और ये इस कंडीशन के अंदर जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो सिस कॉन्फिग्रेशन के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर आ जाएगा, और ये CH2, और इसके साथ में ये हमारा जो है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए इसके अंदर। तो ये हमने इसके अंदर सारे अननोन को आइडेंटिफाई कर लिया, और हमें चेक करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है। तो इसके अंदर पहले हमें देखना है आई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन से पहले वाला जो बन रहा है ये हमारा आई है, और इसके साथ में आफ्टर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो प्रोड्यूस हो जाएगा ये जे है, और ये के हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है, और दिस वन इज एल। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट आई इज, तो प्रोडक्ट आई हमारे पास में एक एल्काइन है विथ ब्रोमाइड। तो इसके अंदर एल्काइन अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो आपके अंदर एल्काइन नज़र आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन में डबल बॉन्ड आ गया, बी ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड आ गया, सी ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड आ गया, डी ऑप्शन में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आई इज एल्काइन, दैट इज गिवन ओनली इन ऑप्शन डी, तो आंसर इसका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जे एंड के रेस्पेक्टिवली। तो J और K का स्ट्रक्चर हमें चेक करना होगा क्या है। तो देखिए J हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी है, और K जो है इन तीन में से कोई एक हो ही सकता है यहाँ पे। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ ऑप्शन ए में गिवन है और ऑप्शन डी में गिवन है, ऑप्शन ए में एंड ऑप्शन डी के अंदर गिवन है, और के लिए हमने ये तीन ऑप्शंस चूज कर रखे हैं, इसमें से एक ही गिवन है यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, एंड दैट इज SOCl2। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर ए आएगा। सो ये एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट एल, एल का स्ट्रक्चर क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एल का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वेर इज दिस एल, एल जो है हमारे पास में एक अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है, और इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है अनसेचुरेशन का, इसकी एक यूनिक स्टीरियो केमिस्ट्री है, दैट इज द सिस स्टीरियो केमिस्ट्री, और सिस स्टीरियो केमिस्ट्री डबल बॉन्ड वाले दो ही ऑप्शन है, और उसमें भी सिस स्टीरियो केमिस्ट्री वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, और वो ऑप्शन आ गया हमारा सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दैट इज करेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चंस। तो इसके अंदर देखिए ये रिएक्शन जो है हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन का NaBH4 के साथ जो रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर ये जो रोजेनमोन रिडक्शन रिएक्शन और लिनलाट कैटलिस्ट का एक कॉम्बिनेशन बना करके इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया गया है। सो यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स सो दैट यू कैन रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 पेपर 2 से है, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। तो यहाँ पे इन स्पीसीज को अगर आप चेक करेंगे तो ये कार्बोकेटाइन्स हैं। तो इन कार्बोकेटाइन्स को अगर हम देखेंगे तो पहले हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये कार्बोकेटाइन हमारे पास में किस टाइप के हैं। तो देखिए इस कार्बोकेटाइन के अंदर ये जो हमारा ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है उसका एडवांटेज इसको मिलेगा, इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर का एडवांटेज मिलेगा, और यही एडवांटेज जो है वो इस कार्बोकेटाइन में इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर का एडवांटेज इसको मिल जाएगा। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट हो गया, किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास अगर लॉन पेयर है, स्पेशली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो उस कार्बोकेटाइन की हाई स्टेबिलिटी होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि किस कार्बोकेटाइन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के पास में जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास में किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन अगर अटैच्ड है किसी भी टाइप से तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें सभी का ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो ये 1 और 3 जो है बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, 1 और 3 के बाद में इसी 1 और 3 के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास में 1 वाला जो है बेसिकली एक 2° कार्बोकेटाइन है, तो ये 2° कार्बोकेटाइन है, सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट।
इसको अगर हम देखेंगे, मतलब जिस कार्बन के पास प्लस है वो दो और कार्बन से बॉन्डेड है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली एक वन डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ये वन डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा आ गया। तो अब आप चूज कर सकते हो कि वन और थ्री हमारे मोर स्टेबल होंगे, और वन और थ्री में भी वन की स्टेबिलिटी जो है वो थ्री से ज़्यादा होगी। तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है जिसमें वन की स्टेबिलिटी थ्री से ज़्यादा होगी, एंड दैट इज़ गिवन इन ऑप्शन डी। तो आप यहाँ से टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बाकी को भी कंपेयर करना चाहिए। तो एग्ज़ाम में तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है सो क्विकली हम आंसर दे पाएँ। अच्छा, अब बाकी को अगर आप देखेंगे तो बड़ा ईजी है। ये हमारे पास में एक टू डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है, डिग्री की टर्म्स में हम इजीली इसको क्लासिफाई कर सकते हैं और फिर इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ये वन डिग्री कार्बोकेटाइन है, सो टू डिग्री इज मोर स्टेबल देन वन डिग्री। सो वन के बाद में थ्री आएगा, थ्री के बाद में टू आएगा, और टू के बाद में फोर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन विथ एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज कैटलिस्ट गिव्स सेलुलोज ट्राई एसिटेट हूज स्ट्रक्चर इज। तो देखिए, बिगनिंग में बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही सेलुलोज पर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमें मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चंस था। फिर एक सेलुलोज पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और सेलुलोज जो है बेसिकली हमारे पास में जो बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है उसका एक ट्राइमर, उसका एक पॉलीमर टाइप का होता है, और जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो ग्लूकोज यूनिट होती है। तो उस ग्लूकोज यूनिट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे पायरेनोज फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इस कार्बन का जो हमारा OH ग्रुप है, इस कार्बन का जो OH ग्रुप है, और इस कार्बन का जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप के अंदर ये OH ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, और यहाँ पर जो ग्रुप है हमारे पास में और यहाँ पर जो ग्रुप है ये रिपीटिंग यूनिट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट है उस रिपीटिंग यूनिट के पास में तीन ही OH ग्रुप है, और जितने OH ग्रुप है उतना जो है एसिटेट ग्रुप इसके अंदर बन जाएगा एसिटाइलेशन के दौरान। तो आप चेक कर लीजिए इसके अंदर, देखिए तीन एसिटेट ग्रुप इसके अंदर हमारे पास में होने चाहिए, हर एक रिपीटिंग यूनिट के अंदर तीन एसिटेट ग्रुप होने चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम चेक करते हैं कि तीन एसिटेट ग्रुप है या नहीं है, सो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमारे पास में वन और ये टू और थ्री, ये तीन एसिटेट ग्रुप हो गए। यहाँ पे वन टू थ्री तीन एसिटेट ग्रुप हो गए, वन टू थ्री तीन एसिटेट ग्रुप हो गए। इसके अंदर सिर्फ एक ही एसिटेट ग्रुप दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन बी को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो तीन एसिटेट ग्रुप हो गए, इसमें भी तीन एसिटेट ग्रुप हो गए, इसमें भी तीन एसिटेट ग्रुप हो गए। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो तीन एसिटेट ग्रुप है, तीन एसिटेट ग्रुप है, तीन एसिटेट ग्रुप है। इसका मतलब अब एग्जामिनर आपको ए सी डी में से कुछ और टेस्टिंग करना चाहता है, और वो ये करना चाहता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है बीटा डी प्लस ग्लूकोज का, वो स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसमें कैसी रिपीटिंग यूनिट होगी, किस टाइप की रिपीटिंग यूनिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सबको सेम ही है, सिर्फ ये वाले जो हमारे दो कार्बन एटम है इन दो कार्बन एटम के बेसिस पे हमको हमें कंक्लूड करना है, और एक ये भी बताना है कि ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो किस टाइप का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। तो ये जैसे मैंने कहा था कि सेलुलोज जो है बेसिकली बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज का एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो बीटा के अंदर, डी वाले के अंदर बीटा जो एनोमेरिक कार्बन है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में अगर होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये ऐसे ही बनेगा, तो इसलिए इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये अल्फा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया और ये बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए आंसर करेक्ट होना चाहिए। सेलुलोज का स्ट्रक्चर, स्टार्च का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, रबर का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इनको रिवाइज करिए अच्छी तरीके से। सो इस क्वेश्चन का आंसर ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, पैराग्राफ नहीं मतलब जैसे क्वेश्चन के अंदर ही कुछ पैराग्राफ टाइप की इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो इन द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ई एफ एन जी आर, और ये हमारे पास में एक बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है विथ लेबल्ड कार्बन, इसको हीट कर रहे हैं तो एक ई बन रहा है, ई को आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एफ एन जी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसको हीट करने से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो चेक कर लेना चाहिए हमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, या 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। तो अक्सर इन पर जो हीटिंग का इफेक्ट होता है उस पर भी क्वेश्चन आता है, और बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो इंस्टेंटली डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या जो जैम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है इनको भी अगर हम हीट करते हैं तो इंस्टेंटली डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन तो होगा ही होगा।
सो ये लेबल्ड कार्बन यहाँ पे गिवन है हमारे पास में, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ हो गया और ये सी डबल बॉन्ड ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब इसके अंदर इसको हीट कर रहे हैं, ये कार्बन हमारा लेबल्ड कार्बन एटम है। तो इसके अंदर मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये CO2 हम यहाँ से अगर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये एक एसिटोफिनोन बन जाएगा विद लेबल्ड कार्बन एटम। अब इसको आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जैसे आपको बताया गया है कि इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो और इसको जो है वो आप कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोफॉर्म बना दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा हेलोफॉर्म बनेगा वो CH3 बनेगा और लेबल्ड कार्बन एटम इसी के अंदर होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो PHCOONA प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट E हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक F और G हो जाएगा। तो G को ये बेसिकली हेलो फॉर्म कह रहे हैं, EFG। सो हेलो फॉर्म हमारा जो है वो लेबल्ड वाला होगा, तो लेबल्ड वाला आयोडो फॉर्म ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। तो लेबल्ड वाला आयोडो फॉर्म हमारे पास में, देखिए आप ऑप्शन को, लेबल्ड आयोडो फॉर्म ये रहा हमारे पास में CHI3, और कोई लेबल्ड आयोडो फॉर्म है ही नहीं, है ना। कितना इजी आंसर हो गया, आपको और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लेबल्ड आयोडो फॉर्म हमारे पास में, यहाँ पे ये लेबल्ड है लेकिन ये आयोडो फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। बाकी के दो ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं, ये ई भी मैच कर रहा है और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा क्योंकि लेबल्ड कार्बन इसके अंदर आ गया, तो इसका आंसर जो है वो सी आंसर आ जाएगा। गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है, 2008 पेपर 2 चल रहा है ये। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद NaNO2HCl एट 0°C फॉलोड बाय कपलिंग विद बीटा नेफ्थॉल गिव्स अ डार्क ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट। ये एक वेल नोन रिएक्शन है एनिलीन की, जो एजो डाई कपलिंग रिएक्शन है जिसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन और बीटा नेफ्थॉल के साथ हम ट्रीट करते हैं। तो ये जो है एजो डाई का फॉर्मेशन होता है और जो एजो डाइज होते हैं बेसिकली ये रेडिश, ये मतलब बेसिकली येलोश ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास में एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल है। इस बीटा नेफ्थॉल को जब हम एनिलीन के साथ ट्रीट करेंगे मिक्स्ड विद NaNO2 and HCl, तो ये यहां पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है बेसिकली डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और डाइएजोनियम क्लोराइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल फिर इसकी अल्फा पोजिशन पर अटैक कर जाएगा और अल्फा पोजिशन पे अटैक करने से अब ये मेजर जो है यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट तो आइडेंटिफाई करना नहीं है। तो ये यहाँ पे जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसका जो है ब्लू कलर का डाई नहीं है, ये ऑरेंज रेड कलर का डाई होगा। सो स्टेटमेंट 1 ट्रू है यहाँ पे। कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद NaNO2HCl एट 0°C फॉलोड बाई कपलिंग विद बीटा नेफ्थॉल इज ड्यू टू द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यस, कलर जो होगा यहाँ पे वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से होगा। यहाँ पे अगर हम इसका बेंजेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो बेंजेनॉइड टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप चेक करेंगे इस सिस्टम में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 or more कॉन्जुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो उसके वो कलर्ड कंपाउंड हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा, ये यहाँ से ये डिस्प्लेस होगा, ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा, ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगा, ये आ जाएगा और भी कुछ इसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो सकता है। सो कलरेशन, कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद NaNO2HCl एट 0°C फॉलोड बाय कपलिंग विद बीटा नेफ्थॉल इज ड्यू टू द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यस, कलर इज ड्यू टू द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बट कलर इज नॉट डार्क ब्लू कलर्ड, कलर इज ऑरेंज रेड डाई कलर का कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। तो स्टेटमेंट ए फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी के अंदर जाएगा। नाउ अगेन एक हमारे पास में फिर पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अ टर्शियरी अल्कोहल एच अपॉन एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन गिव्स अ प्रोडक्ट आई, ओजोनोलिसिस ऑफ आई लीड्स टू कंपाउंड जे एंड के, कंपाउंड जे अपॉन रिएक्शन विद KOH गिव्स बेंजाइल अल्कोहल एंड अ कंपाउंड एल।
वेयर एज के ऑन रिएक्शन विद के ओ एच गिव्स ओनली एम. तो ये एक पैराग्राफ गिवन है. तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उनको कलेक्ट करके अगर हम चेक करते हैं कि ये क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे एक टर्शरी अल्कोहल गिवन है. तो स्मॉलेस्ट टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो 5 कार्बन का कंपाउंड होता है. इससे छोटा तो कोई टर्शरी अल्कोहल आपके पास में होगा ही नहीं, बट कुछ भी हो सकता है. वी डोंट नो कि ये क्या है. तो हम जस्ट एक स्ट्रक्चर विजुलाइज कर लेते हैं कि ये कोई भी एक हमारे पास में टर्शरी अल्कोहल है. ठीक है, R1, R2, R3, 3 अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कुछ भी हो सकता है. अपॉन एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन, तो इसको हमने एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हमने कर दिया है. तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर हम करेंगे तो एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा. नाउ दिस एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस, इसका हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लीड्स टू कंपाउंड जे एंड के, दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया. एक कंपाउंड जे बन गया है और एक कंपाउंड के बन गया. कंपाउंड जे अपॉन रिएक्शन विद के ओ एच, ये जे है, इसको के ओ एच के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, गिव्स बेंजाइल अल्कोहल एंड ए कंपाउंड एल. तो यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट इन्होंने बता दिया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया और दूसरा यहाँ पे कोई प्रोडक्ट एल प्रोड्यूस हो गया. और फिर कह रहा है कि कंपाउंड वेयर एज के ऑन रिएक्शन विद के ओ एच, के ऑन रिएक्शन विद के ओ एच गिव्स ओनली एम. एम का स्ट्रक्चर जो है गिवन है यहाँ पे, तो ये सी एच थ्री है यहाँ पे, ये हमारे पास में फिनाइल ग्रुप है और ये यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और ये फिनाइल आ गया, तो ये के बन गया यहाँ पे. ठीक है, और इसके वेरियस कॉम्बिनेशंस जो है हमें आइडेंटिफाई करने हैं. देखिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये एक एल्कीन है, एल्कीन के ओजोनोलिसिस से ये जो जे एंड के प्रोड्यूस हो रहे हैं, जे एंड के बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड है. ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टाइप के हैं. अब आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन को KOH के साथ रिएक्ट करा रहे हो और अल्कोहल अगर प्रोड्यूस हो रहा है, और अल्कोहल में भी वो प्राइमरी अल्कोहल है, जिसका मतलब ये बेसिकली कैनिजारो टाइप की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो ये एक हमारे पास में एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये कैनिजारो टाइप की रिएक्शन हो गई है. और किसी एल्डिहाइड और KOH, एल्डिहाइड और कीटोन को KOH के साथ अगर रिएक्ट कराया जा रहा है और ये एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसका मतलब ये एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है और ये एक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी. तो इस सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको आप ब्रेक कर दीजिए. ठीक है, जिस साइड में सी डबल बॉन्ड ओ है उस साइड में दो H प्लेस कर दीजिए और दूसरी साइड में हम O लगा देंगे, तो ये जो हमारा कंपाउंड K है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें पता लग जाएगा. तो कंपाउंड K जो है हमारा वो एसिटोफिनोन है, कंपाउंड K जो है वो एसिटोफिनोन है. अब आप यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन से चेक कर सकते हो, ये अगर प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है कैनिजारो रिएक्शन से, तो फिर ये बेंजल डिहाइड रहा होगा क्योंकि इसके अंदर बेसिकली डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है एल्डिहाइड का, तो ये रिडक्शन वाला प्रोडक्ट है. तो किसके रिडक्शन से बना होगा, किसी एल्डिहाइड के रिडक्शन से बना होगा, तो वो एल्डिहाइड हमें मिल गया. अब एल्कीन के ओजोनोलिसिस से अगर ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं तो एल्कीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो किस टाइप का रहा होगा, तो एल्कीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो ये एल्डिहाइड है, सॉरी एल्डिहाइड बनाना है हमें यहाँ पे, तो ये एल्डिहाइड आ गया यहाँ पे. तो ये एल्कीन के ओजोनोलिसिस जे एन के बनता है, तो एल्कीन का स्ट्रक्चर जो हमारा ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा. अब एल्कीन का स्ट्रक्चर अगर ये है तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, तो देखिए एल्कोहल हमें बेसिकली एक टर्शरी एल्कोहल से ये एल्कीन बनाना है. ठीक है, अदरवाइज तो आप अलग अलग स्ट्रक्चर ले सकते हो एल्कोहल के, बट हमें टर्शरी एल्कोहल से ये बनाना है. तो टर्शरी एल्कोहल जो है वो बेसिकली ये होगा. लेकिन अगर हमें जस्ट टर्शरी एल्कोहल अगर नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर ऐसा रेस्ट्रिक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि इस अल्कोहल के एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन से भी ये एल्कीन प्रोड्यूस हो सकती है, बट हमें टर्शरी अल्कोहल कंसिडर करना, तो इसलिए इसको रूल आउट करेंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टर्शरी अल्कोहल. तो ये हमने एनालिसिस कर लिया इस पैराग्राफ का. अब क्वेश्चन चेक कर लेते हैं
क्या कहना चाह रहा है. तो कंपाउंड एच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, कंपाउंड एच हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब ये कंपाउंड एच जो है वो एक टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल को हमें प्रिपेयर करना है. सो रिमेंबर, टर्शरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. प्राइमरी अल्कोहल, ये एल्डिहाइड की रिएक्शंस को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा. सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं. फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल. एंड कीटोन, कीटोन व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस टर्शरी अल्कोहल. तो यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है सी एंड डी, इनको तो आप भूल जाइए क्योंकि यहाँ से हमारा टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा. नाउ अब ये दोनों कीटोन है, इन दोनों कीटोन की रिएक्शन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया जा रहा है, टर्शरी अल्कोहल बनेगा ही बनेगा. कीटोन सेम है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर डिफरेंट है. तो आप देखिए ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है. इस अनसिमेट्रिकल कीटोन के जो तीन आर ग्रुप है उसमें से दो आर ग्रुप कीटोन के रहे होंगे और एक आर ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आया होगा. तो हमारा जो कीटोन है, ठीक है, मतलब जिस कीटोन की हेल्प से हम इसको बनाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर जो कीटोन गिवन है वो ये कीटोन गिवन है, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. तो इस कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा कर अगर हमें बनाना है तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो आर होगा वो ये वाला आर होगा. सो दिस इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमारा आर आएगा. तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा वो ऑप्शन बी मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई इज. तो आई बेसिकली हमारा जो है वो एल्कीन था. आई जो है बेसिकली एल्कीन है, गिव्स प्रोडक्ट आई. सो आई का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है. अब ये यहाँ पर सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास में आई का स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ मैच कर रहा है. सो सिस फॉर्म में हो सकता है, ट्रांस फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. मेजर को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली हमारा ट्रांस फॉर्म में आ जाएगा. तो देखिए ये हमारा जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें चूज करना है जिसमें दो फिनाइल ग्रुप होंगे ट्रांस पोजिशन पे और एक मिथाइल ग्रुप होगा. तो ये दो फिनाइल ग्रुप हमारे पास में है, ये रहे दो फिनाइल ग्रुप, एक मिथाइल और एक एच हो जाएगा, ठीक है जी. ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में विशिनल पोजीशंस पे फिनाइल ग्रुप होने चाहिए. ये विशिनल पोजीशंस पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे जेमिनल पोजीशंस पे फिनाइल ग्रुप गिवन है. इसके अंदर तो दो फिनाइल ग्रुप है ही नहीं और इसके अंदर भी दो फिनाइल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है आंसर ए आएगा. सो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जे के एंड एल. तो जे हमारे पास में ये बेंजल्डिहाइड हो गया, के एसिटोफिनोन हो गया. तो बेंजल्डिहाइड इज जे एंड के जो है वो एसिटोफिनोन है. और ये जो हमारे पास में एल अगर हम चूज करेंगे तो एल बेसिकली यहाँ पे इस बेंजल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम बेंजोएट, ये प्रोड्यूस हो जाएगा. पोटेशियम बेंजोएट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जे हमारा बेंजल्डिहाइड है, के एसिटोफिनोन है. तो बेंजल्डिहाइड देखिए जे के लिए ऑप्शन बी में नजर आ रहा है आपको और ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, लेकिन जो के है वो एसिटोफिनोन है. तो एसिटोफिनोन ऑप्शन डी में गिवन है. सो ऑप्शन डी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा. तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो हमें नजर आ गया वो ऑप्शन डी के अंदर करेक्ट आंसर हमारा नजर आ गया इसके लिए. तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे. ये हमारा 2008 का लास्ट क्वेश्चन है, 2009 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. ये मैचिंग जो है लास्ट क्वेश्चन ही होता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आ गया, यहाँ से आप हिंट ले सकते हो. सो मैच द कंपाउंड इन कॉलम वन विद देयर करेक्टरिस्टिक टेस्ट और रिएक्शंस गिवन इन कॉलम टू. इंडिकेट योर आंसर बाय डार्कनिंग द एप्रोप्रिएट बबल्स ऑफ दिस 4x4 मैट्रिक्स गिवन इन द ORS. तो कॉलम वन के अंदर कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स गिवन है और कॉलम टू के अंदर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट और ये कुछ रिएक्शंस पर बेस्ड. तो ये प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन केमिस्ट्री आ गया आपका और साथ में थोड़ा सा जो है मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे कि कार्बोनिल कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व है यहाँ पे. तो इसको क्विकली देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बन सकता है इसका. सो ये कॉलम वन के अंदर ए के अंदर जो
हाइड्राजीन है, उसका एक हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है. हाइड्राजीन काफ़ी अनस्टेबल होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए एसिडिफाइड सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक सॉल्ट की फॉर्म में रखते हैं. इनफैक्ट जितने भी जो ये अमोनिया डेरिवेटिव्स हम यूज़ करते हैं कार्बोनल कंपाउंड के अंदर, तो ये अनस्टेबल होते हैं, स्पेशली जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है. सो टू स्टेबलाइज देम दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. और ये जो एसिडिक सॉल्ट इनका बनाते हैं, तो इसका एक ड्यूअल एडवांटेज भी है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ डायरेक्टली इनको इसी फॉर्म में रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं. अमोनिया डेरिवेटिव की जो रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, वो एसिडिक मीडियम के अंदर भी होगी. तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इनके जो सॉल्ट है वो एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करेंगे और रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे. बट ये एक डिसएडवांटेज भी यहाँ पर है, क्योंकि ये एसिडिफाइड फॉर्म में आप डायरेक्टली अगर इसको ऐड कर देंगे तो नाइट्रोजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. हाइड्राजीन में अब डिपेंड करेगा कि ये जो है वो ये यहाँ पे हाइड्राजीन एक स्टेप में न्यूट्रलाइज हुआ या कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो चुका है, इसका डिपेंड करेगा. तो जैसा हम वैसे मान के चल लेते हैं, ठीक है. तो देखिए, एक के अगर हम देख लेते हैं तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड गिव्स प्रशियन ब्लू कलर विथ फेरस सल्फेट. प्रशियन ब्लू कलर जो प्रोड्यूस तभी होगा जब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के अंदर हो, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होंगे. तो एक के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो इसके अंदर पी नहीं आएगा. फिर गिव्स पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट. FeCl3 टेस्ट जो होता है बेसिकली वो फिनोलिक कंपाउंड का इंडिकेशन है. तो ए इज नॉट ए फिनोलिक कंपाउंड, बी और सी जो है हमारा फिनोलिक कंपाउंड है, तो क्यू भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा. फिर ये कह रहा है गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट, ये क्लोराइड है. सो सारे क्लोराइड जो है बेसिकली, और आयनिक क्लोराइड भी है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट तो यहाँ पे आएगा ही आएगा. तो आर हमारा जो है वो करेक्ट हो गया. एंड रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन डेरिवेटिव. अब यहाँ पे देखिए, ये एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है और इसके पास में एक नाइट्रोजन तो बेसिकली है ही है जो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे एस को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है. बस ये एक ऑप्शनल है, आप ये सोच सकते हो कि नहीं दूसरा वाला है या नहीं है उसे इसके लिए, तो ये जस्ट है जो ऑप्शनल है. मैंने बताया था ना कि ये दोनों काम करते हैं, एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं और जो है स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, इनको एसिड की फॉर्म में ही स्टोर करके रखते हैं. अब हम ऑप्शन बी को देख लेते हैं. ऑप्शन बी जो हमारा कह रहा है कि ये हमारे पास में एक अमीनो एसिड का सॉल्ट हो गया ये. सो गिव्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड गिव्स प्रशियन ब्लू कलर विथ फेरस सल्फेट. इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है, तो इसलिए ए के लिए पी भी होगा, करेक्ट, ए के लिए पी भी आएगा. एंड गिव्स पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट, ये एक फिनोलिक कंपाउंड है, सो क्यू भी रहेगा यहाँ पे. गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट, ये आयोडाइड सॉल्ट है, तो आयोडाइड सॉल्ट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो आर यहाँ पर नहीं होगा. एस को अगर हम देखेंगे तो रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन डेरिवेटिव. ये तो बिल्कुल भी हाइड्राजोन डेरिवेटिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कंप्लीटली जो है वो खत्म हो चुकी है. तो बी के अंदर बेसिकली हम ये हाइड्राजोन डेरिवेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, कंप्लीट कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, तो ये एस कैंसिल आउट. सी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट वाला हमारा करेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही नजर आ रहे हैं. और गिव्स पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट, ये अगेन सी जो है एक फिनोलिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर क्यू भी आ जाएगा. फिर आर को अगर देखेंगे तो ये क्लोराइड है, सो ऑल्सो गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट. एस को अगर हम देखेंगे तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म हो चुकी है, यो रिएक्ट विद एल्डिहाइड टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन डेरिवेटिव. और वैसे भी देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये बी ऑप्शन में भी हमारा एक अमीनो एसिड है, अमीन डेरिवेटिव की बात हो सकती थी, सी ऑप्शन में भी अमीन डेरिवेटिव की बात हो सकती है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव तो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, तो एस जो है यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे हम. डी ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो ये बेसिकली 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का ब्रोमाइड सॉल्ट है, सो पी इसमें करेक्ट होगा ही होगा, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही है. गिव्स पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये फिनोलिक कंपाउंड नहीं है, तो क्यू यहाँ पे नहीं आएगा. और गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट, ये ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आता है, तो आर जो है यहाँ पे नहीं होगा. अब एस को जो है अगेन देख लीजिए, रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म दैट कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन डेरिवेटिव, ये मे बी और मे नॉट बी.
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन का भी काम करेगा, ये जो NH3+ है पहले एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को प्रोटोनेट करके कैटलिस्ट का काम करने लगेगा, और फिर जो है यही जो डी प्रोटोनेटेड फिनाइल हाइड्राजोन है, ठीक है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक कर सकता है। तो ये जो एस है मे और मे नॉट बी, ठीक है, ये यहाँ पे जो है हमें देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल आंसर में क्या कंसिडर कर रहे हैं, मे और मे नॉट बी, ठीक है, ये अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या कंसिडर करता है। बोथ वे इट इज़ करेक्ट। आप कह सकते हो भाई NH तो अटैक करेगा नहीं, NH3+ से ही अटैक होगा, वो कम्प्लीटली जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है ही नहीं। अब यहाँ पे इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा हुआ है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंटली एसिडिक टाइप का है, ये H+ दे देगा और डी प्रोटोनेट होकर के फिर न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा, ये एक हम यहाँ पे सोच सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या कह रहा है। तो देखिए इसके ऑफिशियल आंसर को अगर आप नोटिस करेंगे तो दो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ए में हमारा एक इशू था, तो उसमें मैंने कहा था कि इट मे और मे नॉट बी, और सी में डी में भी हमारा एक इशू है, दैट इज़ ऑल्सो मे और मे नॉट बी, तो ये जो है यहाँ पर एक इशू है। तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, इसके अंदर थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यूज़ हो गया एंड प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री का भी यूज़ हो गया। तो देखिए ये जो अमीनो एसिड का भी यूज़ हो गया यहाँ पे, और कार्बोनिल केमिस्ट्री की जो केमिस्ट्री है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री है, उसका भी यूज़ हो गया। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।